गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताना बिल्कुल न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आवर टुडेज टॉपिक इज यूज टू। वैसे एक बात बताऊं, मैं आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं थोड़ा कमेंट करके बता दिया करिए, क्योंकि काफी मेहनत हो रही है। हमारी मेहनत सफल भी हो पा रही है या नहीं हो पा रही है वो हमें आपके कमेंट से, लाइक से और शेयर से ही पता चलेगा। ठीक है, तो आवर टुडेज टॉपिक इज यूज टू, दैट इज अ मॉडल वर्ब। सो आइए सीखते हैं। देखिए, यूज टू का प्रयोग हम कहां करते हैं? जिस सेंटेंस के लास्ट में वर्ब के साथ ता था, ती थी, ते थे जैसे शब्द आते हैं। मैं जाता था, मैं पढ़ता था, मैं खाता था, मैं खेलता था, इस तरह के सेंटेंस। और ये सेंटेंस क्या दिखाते हैं? ये आपकी पास्ट की किसी हैबिट को दिखाते हैं। ठीक है, तो रूल क्या है हमारा मॉडल वर्ब का? सब्जेक्ट यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो यूज टू का तो ध्यान रखना, आपको यूज टू के साथ नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट यूज टू का प्रयोग करना है। यहां पर यूज्ड के साथ डी लगा हुआ, यानी कि सेकंड फॉर्म लगी हुई है, लेकिन जब आप डिड का यूज करेंगे तो यूज टू की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी ऐसे ही होगा, आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सो आइए एग्जाम्पल लेते हैं। मैं बचपन में रोज फुटबॉल खेला करता था, यानी कि बचपन में मेरी एक आदत थी फुटबॉल खेलने की। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हैबिट ऑफ पास्ट की। खेलना हमारी वर्ब हो गई, मैं सब्जेक्ट हो गया, ये सब बातें आपको पता ही हैं। बचपन में ऑब्जेक्ट है, रोज फुटबॉल, ये सब ऑब्जेक्ट है और ये हमारी पास्ट ऑफ हैबिट है। तो अगर हम सेंटेंस देखें सिंपल वाला, तो आई यूज टू प्ले फुटबॉल इन चाइल्डहुड। आई यूज टू प्ले, हमने यूज टू का प्रयोग किया है क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है? देखो, ता था, ती थी, ते थे, और हमारी पास्ट ऑफ हैबिट की बात हो रही है। आई यूज टू प्ले फुटबॉल इन चाइल्डहुड, ये यूज टू हमारी मॉडल वर्ब है। ठीक है, अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या बनाएंगे? आई डिड नॉट यूज टू प्ले फुटबॉल इन चाइल्डहुड। आई डिड नॉट यूज टू प्ले फुटबॉल इन चाइल्डहुड। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड यू, यानी कि हम सामने वाले से पूछ रहे हैं, डिड यू यूज टू प्ले फुटबॉल इन चाइल्डहुड, क्या आप बचपन में फुटबॉल खेला करते थे? ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आई यूज टू गेट अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग When I was young, आप यहां पे से 5 कर सकते हैं। I used to get up 5 in the morning when I was young, जब मैं छोटा था, जब मैं बचपन की बात ही हो रही है, यंग की बात हो रही है। When I was young, I used to get up in the 5 AM, कि मैं सुबह 5 बजे उठता था। क्योंकि आपको पता है कि ज्यादातर जब हम यंग होते हैं हमें स्टडीज के लिए उठना पड़ता है, ये तब की बात चल रही है। तो ये एक पास्ट की बात चल रही है। कोई व्यक्ति बड़ा होने के बाद, एक एज्ड पर्सन होने के बाद अपनी पुरानी बात बता रहा है। आई यूज टू गेट अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग इन माई चाइल्डहुड या when आई was यंग। ठीक है, तो आई थिंक यूज टू का आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नए जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।